वेलकम बैक रोलर्स, आपका आपके आपके वेलकम बैक रोलर्स, आपका आपके अपने चैनल पर पुनः एकदम स्वागत है। चलो गुड मॉर्निंग हो रहा है अपना, गुड मॉर्निंग हो रहा है पटाया की आईबीज होटल से। नाउ इट इज टाइम टू चेक आउट। सनी पूरा बैग वैग भर के रेडी है निकलने के लिए, एंड वेदर कुछ ऐसा यार, अच्छी खासी धूप खिली हुई है। और सूत्रों से, यानी जो भारत में हमारे सूत्र हम छोड़ के आए हैं, वहां से पता चला है कि भारत में हमारे हो रही है बारिश, मुंबई में पर्टिकुलरली। तो बरसात के मौसम की शुरुआत हो गई है, बट इधर आशी ऊन है कड़कड़ीत, तो इतनी धूप है ना यहाँ पे, तो देखते हैं अभी क्या। तो अभी टाइम है हमारा चेकआउट करने का। तो ये रूम हमारा कुछ इस तरीके से था, इट वॉज नाइस, गुड, अच्छा रूम है। तो चलो अभी निकलते हैं, निकलने का हो गया भी टाइम, अभी हम आपसे मिलेंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं। ओके जो, चलो आज का अपना अवतार ये कुछ ऐसा रहेगा। तो अभी अपन है होटल की लॉबी में। सो वो जो आपको मैंने वहाँ पर दिखाया वो यहाँ की रानी साहिबा थी। सो होटल का लॉबी कुछ इस तरीके से है यार, मतलब होटल बहुत अच्छा है, मतलब एकदम बजटेड भी आप बोल सकते हो। देखो सो बाहर बहुत ऊन है रे, बहुत ए बाबा रे माजा। अभी यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं टू सी टाइगर पार्क, मतलब दिस इज़ व्हाट द प्लान इज। सो अभी देखते हैं आगे का, वी आर नॉट श्योर अभी और क्या करना है, बट फॉर नाउ टाइगर पार्क। चलो सो होटल के बाहर आ गए, एंड हमारी आज की सवारी है ये वाली गाड़ी 3896 Isuzu। अभी इस गाड़ी से हम चलेंगे, बहुत धूप है बाजार, इट्स टू हॉट टू सनी। तो अभी ये गाड़ी की सवारी हम करते हुए आगे निकलेंगे। और सनसनी कैसा रहा आपके दो दिन यहाँ पर? सुपर, अच्छे थे? अच्छे थे। ओके तो अभी ये गाड़ी में हम सवार होके चलेंगे। सो एज यूजुअल हम जो हमेशा जो आगे बैठते हैं हम यहीं पर बैठेंगे। ये हमारा भी सनी है, बाजू में बैठा। सो ये हमारे टूर यही करा रहे सनी पाजी, बेसिकली इज फ्रॉम इंडिया, भारत से ही अपने यार, भारत से इंडिया। तो ना बहुत इजी हो रहा है हमको भी, यू नो यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा समझने में है दिक्कत। अरे ये होंडा की ये कौन सी ब्रो, स्पाडा। सो अभी ये है नोंगनुज विलेज, ये इनका है पार्किंग लॉट, काफी रश है यार इधर। सो दैट इज अ गार्डन सेंटर। सो बहुत हमको इजी क्या हो रहा है ना, मतलब हमारे देश का हमारा यू नो भाषा बोलने वाला कोई बंदा ऐसे आपके पराया देश में मिलता है, वो अच्छा भी लगता है और हमको कम्युनिकेशन इजी हो रहा है। आई जस्ट मस्ट टेल यू, ये सनी पाजी का है ना, ही इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग ताई लैंग्वेज, मतलब ये आई थिंक ये पिछले 8-9 साल से यहीं पर है, 9 साल से वो यहाँ पर है, तो उनकी लैंग्वेज अच्छा, इनकी हमने ऐसे बात कर रहे थे तो इनकी जो धर्म पत्नी जी है वो भी थाई है, तो सही है। ऐसे यहाँ की रानी साहिबा जो मैंने जैसे बोला, सो आई थिंक ये ना दिस इज अ पार्क फॉर किड्स, बट हम भी बच्चे ही यार, डायनासोर देखो अंडे से निकल रहा है बाहर। सो मेरे को लग रहा है ये ऐसे कुछ थीम पर ये पूरा का पूरा नोंगनुज विलेज बना होगा ये टूर, बिकॉज ये टूर आपको करनी है बसेस के साथ। सो बस में जाना पड़ता है वहाँ पे, इसका मतलब आप समझ लो ये काफ़ी लंबा चीज़ है। तो अभी आपको मैं इसके रेट्स और ये सब बता देता हूँ, एक मिनट। तो ये रही सारी पैकेज की डिटेल, पर हमने सिलेक्ट किया हुआ ये पैकेज नंबर 8, जिसमें एडमिशन फीस, बुफे लंच यानी थाई फूड होगा, प्लस नोंगनुज शो एंड एलिफेंट शो, प्लस साइट सीइंग बस से होगा जिसके एडल्ट के लगेंगे 1500 baht। तो हम अभी ये 1500 baht देके इस शो की एंट्री लेंगे। आई थिंक मैंने जैसे बोला ना वहाँ पे बसेस भी खड़ी है, तो ये बस में हमको घूमना है, तो यहाँ से हम चलेंगे अभी आगे। अभी अपनी टीम ऐसे काउंटर्स है, वो काउंटर पे जाके आपको पेमेंट करना होगा। तो अभी चलो रुको, देखते हैं क्या है आगे का सीन। मेरे को अच्छा तो लग रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे टूरिस्ट है यार, अगर आप देखोगे
स्पेशली बच्चे भी बहुत सारे, तो हम देखते हैं अभी आगे चल के व्हाट विल डू इट, विल जस्ट गो इनसाइड और आगे का दिखाता हूँ। ये ब्लॉग भी गाइस मैं बोलूँ यार, ये पूरी जो अपनी थाईलैंड वाली सीरीज है ना, थाईलैंड पटा, ये थोड़ी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा टाइम निकलो और ये वीडियो सारे पूरे देखना, यू विल हैव फन इन दिस। या चलो अभी थोड़ा ये पैसे वैसे देने पड़ेंगे ना, तो वो देख के हम आगे चलते हैं। है नोंगनोज ट्रॉपिकल गार्डन, तो ये ऐसे कुछ यहाँ पर विजिट्स होती है। तो यार देखो यार गार्डन एक्चुअली में बहुत सही लग रहा है, धूप भी उतनी है बट ठीक है। देखो तो गार्डन में इन्होंने ये कुछ ऐसे तरीके से बना के रखा है। सो दिस इज द नोंगनोज ट्रॉपिकल गार्डन, काफ़ी सही है यार, मतलब ये पूरे कैक्टस वैक्टस ऐसा ज़बरदस्त बना के रखा है। तो दिस इज द ट्रॉपिकल गार्डन, ये नोंगनोज का ट्रॉपिकल गार्डन है, जहाँ पे यू कैन सी ये ना ऐसे बड़े बड़े सारे ये कैक्टस वगैरह उतने हैं उतने। एंड आपने शायद सुना नहीं होगा बट आई हैव हर्ड, मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। लॉट ऑफ एलिफेंट्स यहाँ पे ना, बहुत सारे एलिफेंट्स भी है, आप उनको 50 बात में यू कैन गिव देम बनाना टू ईट। ये देखो अभी सही है यार ये, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ना यहाँ पे मैं नहीं आया था। हाँ दे आर कॉलिंग, तो पहली बार टूर में था तो यहाँ नहीं आया था, तो अब यहाँ पर आके ना आ रहा है मुझे काफ़ी अच्छा, ज़्यादा मज़ा। हाथियों के एग्जैक्टली अपोजिट अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बने हुए हैं, उनके टेम्पल टाइप है। यहाँ पे भी एलिफेंट है, ये तो बाहर है, तो आपको एक दिखा दूँ, इसका बेबी उस तरफ है, ये रहा एलिफेंट का बेबी, ये जो कुत्ते छोटू है रे, ये रहे एलिफेंट्स, ये एलिफेंट का छोटू नानो बेबी। सो अभी हम जा रहे हैं शो देखने के लिए, ये स्काला थिएटर और ये एलिफेंट शो देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसा है यार, दिस प्लेस इज नाइस, वेरी क्लीन। यहाँ पे आपको कुछ खाना वाना है, तो रेस्टोरेंट लगे हुए हैं, वो मसाजिंग चेयर भी यहाँ पर लगी हुई है। सो अभी चलो चले पहले चलते हैं, शो हमारा शो है कुछ 11:30। सो ये नोंगनोज का जो है कल्चरल शो है, ये पहले हम उसके लिए आए थिएटर में, तो ये कुछ ऐसे उसके टिकट मिलते हैं, आधा पार्ट फाड़ कर ले लिया, बट ये रहा वो शो। शो खत्म करने के बाद वी आर हियर टू सी दिस एलिफेंट शो। यार ये ना इनका ये फुटबॉल ग्राउंड है,
ये पूरे फुटबॉल दिए, ये गोल पोस्ट यहाँ पे बना के रखा है। सो ये रहे एलिफेंट, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे ये लोग खेलने वाले हैं फुटबॉल। सो अभी अपना सीट अपन पकड़ दे और यहाँ से आगे का पूरा मैच देखेंगे। अब ये है ना एलिफेंट के साथ, अगर आपको फोटो खिंचानी है तो दे चार्ज यू 100 बार। एलिफेंट के साथ आप फोटो भी खिंचा सकते हो और ये बहुत सही लग रहा है। तो एक बार दो, ये दो मिनट में उठाएंगे आपको एंड अगला इज दिस वे सिंगल डायरेक्ट आप कन ऊपर उठा दे। इस चीज करेगा 100 बार यानी 200 रुपये। सो ये ऐसा कुछ है, ये फोटोग्राफी यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी शो चालू हो जाएगा, अभी नाउ दे हैव स्टॉप, अभी ये सब रुका दिया है। सो भी एलिफेंट्स के साथ फोटो खींचना है तो ये पूरे ग्राउंड में अभी उनकी होने वाली है मैच शुरू। वहाँ पे भी एक मैच चल रहा है फोटोग्राफ्स का, यहाँ का एक मैच खत्म हो गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं लग रहा है बिकॉज ये ना काफ़ी बड़ा, इट इज़ लाइक अ स्टेडियम, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं नज़र आ रहा है। फुल सी यहाँ पे कई सारे लोग हैं, हमारे गजराज जी एकदम नज़दीक, एक यहाँ से आए हैं, वन इज़ हियर वन इज़ देयर। एलिफेंट शो शुरू हो गया है। सॉरी शुरुआत की एंट्री नहीं दिखा पाया बिकॉज आई वाज ऑन अ कॉल। सारे एलिफेंट दो शॉट मिस हो गया, ये फिर से रेडी हो गया ये। फाइनली इसने, ये वाले ने ना, ये वाला इसने ना एक बलून पे निशाना लगा दिया। थोड़ी देर पहले गिरे थे एलिफेंट्स का होगा ये फुटबॉल का मैच, गोल पोस्ट यहाँ लगा हुआ है, ये थाईलैंड का फ्लैग। सो यहाँ पे गोलकीपर भी रेडी है, यहाँ से दो घोड़ा मिस हो गया ना, विद हिज टर्न, ये दूसरे वाले का टर्न। वाह गुड स्टॉप, फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद ये एलिफेंट जी अभी है ना, ये दीदी यहाँ पे लेके इनका करेंगे मसाज। गजराज जी को सभी को बाय करते हुए हम चलते हैं। सबको बाय करते करते चलेंगे, अभी जाते हैं, अभी अगला शो क्या है वो देखते हैं। बट दिस वन इज वेरी क्यूट, एलिफेंट राजा है यहाँ पर। सो अभी एलिफेंट शो खत्म करके हम लोग ना, ये ऐसे टिकट लेने पर आपको ये इंडियन क्यूजिन मतलब भारतीय खाना आपको यहाँ मिलेगा। वैसे थाईलैंड वाला भी था पर वो उस तरफ था। सो अभी भारतीय क्यूजिन खाने के लिए हम लोग इस तरफ आए हैं, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा खाएंगे एंड ये बुफे लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा ना यू कैन हैव योर फूड यहाँ पे बुफे टाइप में। बुफे में आओ, अपने हाथ से लो और खाओ, बट आई वुड सजेस्ट यार वेस्ट नहीं करो। सो ये टेबल अपना है 41 नंबर, तो ये टेबल पे अभी अपन बैठेंगे। सो ये ना अभी, सो गाइस ये ना मैंने अभी ना वेज खाना लिया हुआ है। अभी वेज लेने का मेरा कारण ऐसा था कि यू नो हम पराए देश में, मेरे को नहीं पता यार कि यू नो चिकन कैसा बनाओ। सो अभी अपना हो गया है ख़त्म। अभी अगर आप देखो ना, इन्होंने ऐसे सारे डायनासोर्स के ऐसे प्रजाति जाति का ऐसे ना सब लगा के रखा, ये सारा ऐसे इन्होंने लगा के रखा। दिस इज मैथरोडन,
मैं थोड़ा डॉन है भाई, ये डॉन है ब्रो, ये डॉन लोग है। सो देखो मैं ऐसा मेरा ट्राइपॉड ऐसे डाल के फोटो घर खींचने गया था। सो अभी अगला क्या प्लान है हम लोग का, हम लोग का अगला प्लान है ये बस टूर कोई है यहाँ पे विलेज की, वो बस टूर करेंगे और उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे एयरपोर्टो की तरफ, क्योंकि अगला डेस्टिनेशन हमारा आप अगले वीडियो में देखो यार, अभी नहीं रुको। अब यहाँ से हो गया अपनी बस टूर, और बस टूर के पहले बाहर आता हूँ ना एग्जिट पर, ये एकदम बहुत बढ़िया है यार, बट जाने की कोई इच्छा नहीं क्योंकि धूप इतना है। सो पटेल आपको कैसा लग रहा है अभी तक के जो हम घूम रहे हैं? बढ़िया लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कहाँ आ गए हम, एकदम पीस ऑफ माइंड, इनको लग रहा है पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छे ये एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ सभी लोग हैं। अब पता नहीं कहाँ है, उस तरफ कहीं चले गए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी ये बस टूर है अपना, बस टूर का वेट करते हैं, बस आएगी, बस में बैठेंगे और चलेंगे, कुछ 30 से 40 मिनट का है ऐसा बोल रहे हैं, मतलब हमको नहीं पता ऐसा बोल रहे हैं। ये है हमारी आज की सवारी, तो ये सवारी है हमारी, तो इसमें बैठ के हम अभी चलेंगे आगे वाले टूर करने के लिए। अपने टूर की शुरुआत हो चुकी है, ये थाई लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं। इतना बड़ा स्टैचू है ब्रो, मतलब जबरदस्त, आप देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पे। ऐसे देखोगे तो हर जगह ऐसे एलिफेंट होगा। แต่ละจุดนะครับผมเราไม่กำหนดเวลานะครับให้ลูกค้าบริหารจัดการเวลาเอาเองได้เลยนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นต้นปาล์มเคาฤาษีนะครับนำเข้าจากประเทศคิวบานะครับผมส่วนฝั่งด้านขวานะครับเป็นภูเขาต้นโป่งถ่ายรูปชมสวนเป็นจุดแรกก่อนได้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าเดินตรงไปสุดทางเดินนะครับจะเป็นบ่อน้ำปลาช่อนอเมซอนนะครับผมมีมากกว่า80 ตัวเลยนะครับแต่ละตัวมีน้ำหนักมากกว่า100 กิโลนะครับผมลูกค้าให้อาหารปลาช่อนอเมซอนด้านหน้าสุดทางเดินก่อนได้เลยนะครับตรงจุดนี้ช่วยเปล่าวะล่ะहमको स्टॉप दिया है इन्होंने यहाँ पे। इट लुक्स लाइक हर एक चीज़ यहाँ पे ना, दिस इज पॉटरी का है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे मिट्टी की है। अरे देखो बात्रा कार चोपरुस भी इधर ही खड़ा है। सो यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए हमको ये पहला स्टॉप दिया है। सो फोटो तो देखो खींच तो रहे, अपनी पब्लिक भी है, तो मैं यहाँ पे आया इस तरफ कि ना उन लोग का शोर बहुत होता है। पॉटरी गार्डन है ये, आप इस पे से ऐसा वॉक करने का भी है। ये जो गेट आर्च भी इन्होंने बनाया ना, सब पूरा मिट्टी का ही है। अच्छा 10 मिनट देते हो आपको यहाँ पे, आओ अंदर फोटोग्राफ्स खींचो और जाओ। और बहुत बढ़िया है यार, मतलब यहाँ पे अंदर गार्डन, पता नहीं था कि अंदर ये गार्डन होगा, बट दिस लुक्स नाइस। लेट्स गो अभी अपन ना थोड़ा वो साइड जाके विलेज सी उस तरफ क्या है। अच्छा यार, मतलब ऐसे पूरा उन्होंने ना गार्डन बना के रखा है, और यहाँ पे इन्होंने पूरा ये देखोगे ना, ये अपना अच्छा माटी से कप का ना पूरा गाड़ी बना के रखा है। बहुत सही लग रहा है यार, ये सही लग रहा है। वहाँ से हम लोग निकल गए। अब ये दिस इज द वाटरफॉल गार्डन, वाटरफॉल गार्डन की तरह हम जा रहे हैं। पेड़ देखो कैसा है यार। अच्छा गाइस लुक एट दिस, ये है समुद्र मंथन जो हुआ था। ये सेम स्टैचू में आपको अगर पॉसिबल हुआ एयरपोर्ट पे भी दिखाऊंगा, ये समुद्र मंथन का है। सो ये एंड दिस इज मेड अप ऑफ एंट, ये पूरा एंट का डिजाइन के साथ उन्होंने बनाया, काफी ब्यूटीफुल है यार। इसी सरड़ा चैमेलियंस, कितने सारे चैमेलियंस भी बनाए उन्होंने। ครับด้านซ้ายมือถัดมาตรงนี้เป็นการจัดสวนแบบแนวท่านนะครับผมเราเรียกว่าสวนอากาเว่นะครับด้านบนจะมีตัวอิงกาแผงคอและต้นอากาเว่นะครับอยู่ด้านบนตรงจุดนี้นะครับถัดมาซ้ายมือนะครับเป็นสวนปอนไซนะครับผมที่อยู่บนเขาสลับตะกอนะครับเขาที่คอยาวที่สุดในโลกเลยนะครับด้านขวามือเข้าไปตรงจุดนี้นะครับเราเรียกว่าหุบเขาในต้นเสาคอยาวนะครับสุเยรหิแคคตัส
का जो फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब फार्मिंग यानी कॅक्टस इथे त्यांनी पूर्ण बनवून ठेवलं आहे. लुक ॲट इट, पूरा पूरा का पूरा, दिस इज कॅक्टस गार्डन यू कॅन सी. तो यहाँ पे वो उसका ना उगवते है. कैक्टस नर्सरी गार्डन, दिस इज डायनासोरस वैली. अभी हमको लेके आ गए हैं, अभी हमको लेके आ गए डायनासोरस वैली. सर आप देखोगे डायनासोरस का पूरा प्रजाति है. लंबाई सोरस, ครับด้านหน้าจะเป็นจุดจอดรถที่2แล้วนะครับผมเรียกว่าสวนตะบองเพชร2นะครับด้านในยังมีไดโนเสาร์มากกว่า100สายพันธุ์นะครับอยู่ในสวนตะบองเพชร2ที่2ก่อนได้เลยนะครับइरिटेटर मतलब ये ना, मैंने बहुत सारे डायनासोर वाले पिक्चर में देखा, ये सबको खाता है. एंड ये वाला ये स्लेथिमा, ये अच्छा वाला डायनासोर है, ये खाता नहीं किसी को, ये हेल्प करता है. ये बड़ा वाला ये वाला भी है. ये यहाँ पे उन्होंने हमको अभी जस्ट उतारा है, जस्ट टू टेक सम फोटोग्राफ्स ये गार्डन में. तो देखो यार, बहुत बड़ा गार्डन है. पूरी गाड़ी ऐसे हमको घुमा के लेके आई. ये किसी झाड़ा का खोड़ है या पत्थर है नहीं पता, बट ये रहे सारे इस तरीके से. और ये हमारी बस है जिसमें से हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी. तो वहाँ से एग्जिट करके हमने सीधा एंट्री ले ली इस कार म्यूज़ियम में. यहाँ पे ये हमर है, ये पता है, ये मर्सिडीज़ का ट्रक है, दिस इज हमर. तो बड़े बड़े ट्रक है यार ये, टोयोटा का मतलब टायर का साइज चेंज करके इन्होंने करा हुआ है. ये शेवी का गाड़ी है, दिस इज लोटस, ये भी लोटस का ही है. तो ये सारी सुपर कार्स है यार, मतलब लगती रही है कि ये टॉय कार्स है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी बग्गीज है. दिस इज नाइस. ये ना मेरे को अपना प्रीमियर पद्मिनी का छोटा वर्जन, प्रीमियर पद्मिनी का छोटा वर्जन लग रहा है ये वाला, ये अगर आप देखोगे तो. एंड दीज आर ऑल बग्गी. ये बग्गी जो काम आती है आपको, यू नो, सैंड जहाँ पर होगी, सैंडी एरिया, मडी एरिया, वहाँ पे मेजरली यूज़ की जाती है. कुछ सुपर कार्स उस तरफ भी है अगर आप देखोगे. फूड का मॉन्स्टर ट्रक यूज है, सही है यार. यहाँ पे हर जगह पे आपको यहाँ पे खाने वाने भी मिलेगा. तो चलो ये बस इतना सा ही था, अभी हम लेते हैं एग्ज़िट. एग्ज़िट यानी अभी हम लोग जाएंगे बाहर जाएंगे. अभी रिटर्न वाली है क्योंकि प्लान में है थोड़ा सा चेंज. ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा घाई हो रहा है. मैं आपको बता दूँ वो चेंज क्या है, पहले हम जाते भागते यहाँ से गाड़ी की तरफ. सो अपनी आईवीज वाली प्रॉपर्टी पे हम लोग रिटर्न आ चुके हैं. तो अपने विक्की पाजी है अपने साथ में, तो इन्होंने अपनी ये पूरी टूर जो थी बैंकॉक की इन्होंने हमको कराई. सो विक्की पाजी, आप कब से हो यार यहाँ पर? मेरे को सर 8 साल हो गए सर. 8 साल? और मैंने आपको सुना है आप थाई लैंग्वेज में भी बात कर रहे हो. हाँ जी, थाई भी आती है सर मेरे को. अरे बहुत बड़े विक्की पाजी, आपका एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए अगर जो कोई भी आ रहा है. प्लीज मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी दे दूंगा. ठीक है सर, बट आप एक बार आप भी बोल दीजिए आपका क्या नंबर है. जरूर जरूर सर. सर मेरा नंबर है जो +66 8555 14 147. स्क्रीन में है तो दिखा भी दीजिए. सो ये रहा नंबर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का. इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग, अगर आ रहे हो थाईलैंड में, बैंकॉक आते हो, तो विक्की पाजी को ज़रूर कांटेक्ट करना, या तो यू नो माय कांटेक्ट, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो. विक्की भाई से मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा. ठीक है जी, चलो विक्की भाई, थैंक यू सो मच फॉर द टूर. थैंक यू सो मच ऑल द हॉस्पिटैलिटी जो आपने हमारे लिए करी. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सर. सो चलो, विक्की भाई को हमने थैंक यू बोल दिया है, बाय बाय कर दिया है. सो अब इट्स टाइम टू मूव. अभी आगे चलते हैं, देखते हैं लगेज का क्या सीन है, वो सारा ख़त्म करते हैं, फिर एयरपोर्ट पे मिलेंगे. सो होटल से चेकआउट करते ही हम सीधा पहुंचे हैं एयरपोर्ट. ये अभी हम जा रहे हैं फुकेट.
तो वहाँ से निकले, जर्नी क्या ही दिखाओ, डेढ़ दो घंटे का ड्राइव था हम लोगों का। सो ये कुछ गेट नंबर एंट्रेंस 4 है, ये 4 नंबर से अभी हम एंटर कर रहे हैं एयरपोर्ट पर। अभी आगे की टिकट विकेट क्या है, मतलब एवरीथिंग इज बुक्ड एंड ब्लॉक्ड, सब कुछ तो हो गया है। अब बचता क्या है, खाली हमारा चेक इन करने का। अब ये वेब चेक इन होगा यार, देख पब्लिक ना खचाखच इधर ऑलरेडी भरी हुई है। सो अभी जाते पहले चेक इन, देखते किधर है, फिर आपसे, क्योंकि बाद में थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि 7:30 बजे का फ्लाइट है और अभी कुछ 5:30 हो रहे हैं, तो अपने पास टाइम है, सो वो करते। चलो तो फाइनली अपना ये फुकेत वाला जो बोर्डिंग पास है वो आ गया है, टिकट आ गया है। सो अभी अपना गेट नंबर B2 पे जाना है, एंड ही हैज़ गॉट 11B एंड आई एम 11B। सो सीट्स थोड़ी है, अलग अलग जगह पर है और उतना 40 है। तो अभी जाते हैं, वो टाइम से सुसु नहीं गया, तो जाना पड़ेगा हमको, जाना पड़ेगा हमको, जाना पड़ेगा, अरे जाना पड़ेगा। तो अभी एयरपोर्ट है, कुछ इस तरीके से ये ऐसा स्वयंचलित वाले पे हम लोग ऐसा भी यहाँ से आगे इस तरफ जाना है हमको। तो अभी ये तो काम हो गया है, फ्लाइट का टाइमिंग है 19:30, यानी 7:30 बजे का फ्लाइट है अपना ये बैंकॉक टू फुकेत, तो एक ही घंटे का फ्लाइट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो डोमेस्टिक ही फ्लाइट है। तो एक काम करता हूँ ना, ये वीडियो थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं, ये फ्लाइट बोर्ड करेंगे, क्योंकि ना फ्लाइट में से दिखाने जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। रीज़न बिहाइंड इट कि रात का फ्लाइट है, तो फुकेत जैसे आइलैंड पर जा रहा हूँ, ऊपर से एक्चुअली दिखाने जैसी बहुत सारी चीज़ें थी, बट शायद कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। सो भी देखते आगे चल के, मतलब पर थोड़ा और एक 5-8 मिनट का वीडियो और रहेगा, 10 मिनट भी हो जाएगा तो देख लो यार। ओके चलो बाय। सो ये रहा B2 गेट, और यहाँ से विल गो डाउन। अभी ना एक मिनट पहले का आपको स्टोरी बताता हूँ, सनीम ने अपना पासपोर्ट इसने कहाँ रखा था इसको ही नहीं मालूम। सो अभी फ्लाइट बोर्ड करने के पहले ना हमको भूख लग रही है, तो हमने ये वेंडिंग मशीन के पास आए, वेंडिंग मशीन से एक एक हमारा ऐसा सामान गिर रहा है। हमने पहले पानी लिया, ये पानी आया, अभी क्या बाकी का एक और पानी का बॉटल, मुझे ऐसा खेल है ना ये कि ऐसा आते रहेगा, ऐसा एक एक फिर आप उठाने का है। ये गिरा हम पढ़ू दे सके, काड़ा लगे तरस तो देना। ये दूसरा भी गिरेगा, अपने फिंगर्स लिए थे, ये भी गिरेगा। सो अभी अपना ये जो फुकेत वाला फ्लाइट है ना, सनी बहुत टाइम से खड़ा है, फ्लाइट इज डिलेड। ये जो मैम बैठी है ना हमारे बगल में, शी हेल्प मी टू नो, बिकॉज यहाँ पे जो अब जो भी अनाउंसमेंट जो हो रहा है ना, दैट इज़ इन अ थाई लैंग्वेज। अब वो थोड़ा अपने को समझने में है तकलीफ, मतलब थोड़ा कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये भी फ्लाई कर रही है वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो फ्लाइंग विद द सेम फ्लाइट, तो विच इज़ डिलेड। डिलेड है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने को वेट करना पड़ेगा। तो भी रुके देखते क्या सीन है, अपनी कुछ पब्लिक उस तरफ बैठी है, कुछ इधर बैठी है, सो देखते अभी कैसा है, कितना डिलेड होगा पता नहीं। बट अभी शनि मेरा सो अभी 5:40, मतलब ये टाइम हो रहा है इंडिया में, यानी आप पकड़ो 5:30, यानी 1.5 घंटा, और यहाँ पे लगभग 7:15 के आसपास हो रहा है, और फ्लाइट 6:30 का था। तो अभी हम लोग रुके वेट कर रहे हैं, तो ये लो ये भी आ गए हमारे। तो अभी सभी लोग वेट कर करके बोर हो गए, तो देखते क्या है, अभी वापस से अनाउंसमेंट होगा तो ये मैम हमको फिर से हेल्प कर देंगे। मैंने उनको बोला हेल्प नहीं तो हेल्प करेंगे, ठीक है। सो अभी एज पर सनी, ये देखो ये फ्लाइट यहाँ लग गया है, उस गेट से अपने को करना है एंटर। अब सनी बोल रहा है कि फ्लाइट लग गया है, बट हमको नहीं पता फ्लाइट लगा है कि नहीं लगा। सो अभी आई डोंट नो, ये वेट हमारा कितना लंबा होने वाला है, कितना देर हम लोग रुकने वाले हैं, तो कुछ आइडिया नहीं है, तो देखते क्या है।
क्या लगता है बाबा कितना टाइम लेट होगा? अभी तो लगे फ्लाइट। वो लाइट तो दिख रहा है उधर, देखा वो लाइट दिख रहा है वाला लाइट के आगे वाला ही। तो अभी मेरे को क्या लगता है ना, अभी ये फ्लाइट बोर्ड करूँगा और ये सब है ना चक्कर, फ़ोन का बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने में। तो फाइनली हम लोग उतर गए हैं एयरपोर्ट पर। एक घंटा लेट था फ्लाइट, तो एक घंटा लेट ही यहाँ पर उतरे। तो चलो अभी के लिए काम करते हैं, ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ दोस्त। क्यों पता है, क्योंकि ना अब जाएंगे रूम में, थोड़ा थका हुआ है, आराम टायर्ड, तो जाके आराम करूँगा। और बाकी का नया वीडियो आएगा कल, यानी आपको पता नहीं होगा, मैं तो कल शूट करूँगा। तो अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, नहीं पसंद आया तो मत करो यार, मतलब दैट्स ओके, बट देखो वीडियो, अच्छा लगेगा। पहले वाले वीडियो आई होप आप सबने देखे, नहीं देखे तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट यू नो, और बेल आइकन भी दबा देना, तो आपको वीडियो का लिंक आता रहे, मतलब आपको आता रहे कि ये वीडियो आ रहा है। तो अभी के लिए चलो गाइस, थैंक यू सो मच अगेन, एंड खूब मजा करा यार, कीप रोलिंग, थैंक यू।